फ्रेंड्स हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 28 सितंबर बैच के, जिन्होंने अभी इसका सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगाया है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट ऑन हो चुका है, इसमें थोड़ा लाइट का थोड़ा सा इशू है। और अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? नाम राजानंद है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से है, अच्छा कितने साल से काम कर रहे हैं? हम मुझे काम करते थे 6 महीने, बाकी ये सब की जानकारी नहीं। अच्छा कभी IC रिवॉल्विंग या फिर IC लगाए थे आप? IC को मैं हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा कितने दिन हो गए यहाँ आकर के आप? यहाँ के मुझे 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, और 3 दिन में प्रैक्टिकल में इस क्लास में क्या क्या सीखे आप यहाँ पर? प्रैक्टिकल में सारे कंपोनेंट्स के मैंने जानकारी लिया। सबसे पहले आके पहले यहाँ पे IC उठाना है, रिबॉलिंग करना है सीखा। हाँ सबसे पहले दिन यहाँ पे रिबॉलिंग करना, IC निकाला। पहले तो लग रहा था यार IC हमसे निकलेगी कि नहीं, रिबॉलिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट दिन ही कम्प्लीट होगा। अच्छा फर्स्ट दिन ही, और आज तीसरा दिन है और आप CPU निकाल के लगाए और सेट ऑन किए हो, कैसा लग रहा है अभी आप? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा क्या कहना चाहोगे आप अगर कोई स्टूडेंट यहाँ के सीखना चाहता है? स्टूडेंट यहाँ पे आने चाहे तो उनको तो पहले अपनी पूरी टाइमिंग को देनी पड़ेगी इंस्ट्रक्चर को। अगर सीखना, अगर मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ पे आना चाहेंगे। क्या यहाँ पर सिर्फ खाली आपको पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं या फिर प्रैक्टिकल होता है? कॉपी पेन अलाउ नहीं है यहाँ पे, कोई कॉपी पेन अलाउ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है, थोड़ी थ्योरी होती है क्योंकि वो माइंड में घुसती है। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल कराते रहे तो आप उग जाओ। कितने घंटे की क्लास करते हैं यहाँ पे? हम लोग को 12 घंटे की क्लास कराती है, अभी 7:30 हो रहे हैं, आधे घंटे की क्लास अभी। सुबह कितने बजे आए थे अब यहाँ पे? हम लोग 8 बजे आते हैं। 8 बजे आए थे और अभी कितना हो गया? अभी 7:30 हो रहा है ना? तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया आपने? राज आनंद, थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आप बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ जो आपको पता चले EN सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए MMC और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने MMC के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो MMC भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं MMC में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको MMC निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, FRP MI अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, ISP पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिस्क के JTAG और UFI दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेसेड ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं? अगर कोई MMC का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर IC डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं? हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये MMC करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को IC रिवॉल्विंग वगैरह जो MMC है सब कुछ हम यहाँ पर ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के
आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। तो सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लगता था कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो वो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको ऑपरेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो जो तरक्की बना था अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग तो उनको देने को भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है मॉडल दिया मैंने, हम लोग बोलते थे अच्छा है, हाँ दारू सब कुछ बना मिलेंगे अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईमेल से और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो यहाँ पर आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बेटर ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट को रिव्यू दिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा
कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, बड़े करीब जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Maxim 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Recording Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free recording Android apps. Link in description. Amansum 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.